देखो सेंसेक्स 52,000 से लेके 58,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। बहुत बड़ा रैली नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इस छोटे से रैली में बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड में रिकवरी देखने को मिला है, बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस स्ट्रांग भी देखने को मिला है। अब ऐसे में आपको कुछ म्यूचुअल फंड को रिडीम करना चाहिए। आप सुन के शॉक्ड हो गए कि जब मार्केट रैली में है तो क्यों हमें रिडीम करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड को अब आपको रिडीम कर देना है, सही समय आ गया है। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिजाइन, पोर्टफोलियो का एलोकेशन, किस म्यूचुअल फंड में हम कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सही समय आ गया है म्यूचुअल फंड को रिडीम करने के लिए। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने म्यूचुअल फंड के साथ चल रहे हो, आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड है। देखो अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा म्यूचुअल फंड होंगे तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। आप पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हो? एक अच्छा रिटर्न मिले, इन्फ्लेशन को बीट करें और उसके साथ ही साथ जो आपका गोल है उसको यहाँ पे फुलफिल करें। अगर आप यहाँ 7 फंड, 8 फंड, 10 फंड या 6 फंड से ज़्यादा क्वांटिटी रखते हो म्यूचुअल फंड का अपने पोर्टफोलियो में तो रिटर्न धीरे धीरे कम हो जाता है। और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड हैं। ऐसे में सही समय आ गया है कि आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 से 6 फंड ही रखें और बाकी सारे फंड को आप धीरे धीरे रिडीम करें। लेकिन हाँ, मैं लास्ट में बताऊंगा कि किन 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है अगर आप रिडीम करने जा रहे हो तो। दूसरे पॉइंट को कवर करते हैं। अब आपको ये भी चेक करना है कि आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड है उनका परफॉर्मेंस कैसा है। 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया है तो आप अपने पोर्टफोलियो का क्वालिटी जरूर चेक करें। अगर आपने यहाँ पे 5 से 6 फंड सेलेक्ट किया है और इस 5 से 6 फंड में भी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका लगातार परफॉर्मेंस वीक हो रहा है तो ये सही समय है, ऐसे म्यूचुअल फंड को आप रिडीम कर दो। मार्केट जब 52,000 के करीब में था तो उस समय ऐसे म्यूचुअल फंड में नेगेटिव दिख रहा था और नेगेटिव दिखने के चलते आप इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा सा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए और वैसे में हम रिडीम करेंगे। तो ये सही समय है, जिस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी कमजोर है वैसे म्यूचुअल फंड से अब बाहर निकल जाएं। मार्केट का कुछ नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैप हो रहा है, आप जरूर चेक करें। क्या एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं दूसरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स से काफी मैच कर रहे हैं? अगर यहाँ पे किसी दो म्यूचुअल फंड में, आपके पोर्टफोलियो में किसी दो म्यूचुअल फंड में ओवरलैप का परसेंटेज काफी ज्यादा है तो आप इन दोनों फंड में से किसी एक फंड को यहाँ पे रिडीम कर दें, सही समय है, और उस पैसे को आप अपने पोर्टफोलियो में ही पार्क कर दें। देखो जब ओवरलैप होता है, ज्यादा ओवरलैप, इट मीन्स कि 25% से ऊपर का ओवरलैप देखने को मिले, ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा रिटर्न नहीं होता है और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी धीरे धीरे हाई होता है, जिससे लॉन्ग टाइम में आपके जो टोटल कॉर्पस है उस पर काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने पूरे पोर्टफोलियो में जितने फंड है उसको रिडीम कर दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जी हाँ, अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया है, आने वाले 6 महीने, आने वाले 5 महीने में आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा, जो ड्यूरेशन आपने यहाँ पे टारगेट लिया था, तो ये सही समय है कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पूरा रिडीम कर दें। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको घर बनाना होगा आने वाले 6 महीने के बाद, आने वाले 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। अब ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में जो यहाँ पे कॉर्पस है वो आपके गोल के काफ़ी करीब है तो ये सही समय है कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को यहाँ से रिडीम कर दें या फिर कहीं वैसे जगह पार्क करें जहाँ पे इक्विटी का रिस्क ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं बता सकता कि इक्विटी का मूवमेंट कैसा होगा। आने वाले 2 महीने और 3 महीने में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा कोई नहीं बता सकता। अभी हम 52,000 से रिकवरी किए हैं, अगर यहाँ गिरावट हुआ तो हो सकता है 48,000 भी पहुँच जाए। कोई भी ऐसा न्यूज़ आया जो नेगेटिव हो, मार्केट के सेंटिमेंट्स को काफ़ी ख़राब कर दे, वैसे में गिरावट ज़्यादा हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में नुकसान हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में जितना आपको पैसा चाहिए वो मिल नहीं पाएगा।
तो ये सही समय है आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को रिडीम कर दें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हुआ है? कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है। अब ऐसे में अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हो, यहाँ पे आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा रिस्क जनरेट करने वाले फंड हैं तो उसे भी रिडीम कर दें, उससे भी आप बाहर निकल जाएं। सही समय है, मार्केट अच्छा है, यहाँ पे आपको बाहर निकलना चाहिए। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बुरे बुरे म्यूचुअल फंड होंगे आपके पोर्टफोलियो में, हो सकता है कि सालाना आपको 1% का 2% का रिटर्न दे रहे हो पिछले 3 साल से। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो यहाँ पे पिछले 3 साल और 4 साल से 8 से 9% का रिटर्न दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये सही है आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए? जी नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है, वैसे म्यूचुअल फंड्स में नेगेटिव रिटर्न था, अब पॉजिटिव में है, तो सही समय है कि वैसे म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या मौका ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई नहीं बता सकता। हम सिर्फ डाटा के बेसिस पे एक एनालिसिस रख सकते हैं, लेकिन कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता। ऐसे में आपको यहाँ पे करना क्या है, जितने भी बुरे फंड हैं वैसे फंड से आप बाहर निकल जाओ, सही समय है। लेकिन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि कैपिटल गेन जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ध्यान देना है। बहुत बड़े रकम के साथ कोई भी म्यूचुअल फंड को रिडीम करोगे तो वहाँ पे कैपिटल गेन भी अप्लाई होगा, चाहे वो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन हो या फिर शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन हो, तो इसका ध्यान आपको रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्जिट लोड का भी ध्यान रखना है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट का, चाहे आप SIP कर रहे हो या फिर लमसम कर रहे हो, किसी भी SIP अमाउंट का अगर 12 मंथ का ड्यूरेशन नहीं कंप्लीट हुआ है तो उस अमाउंट पे आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो इन दो पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, और वाकई में अगर इन दोनों पॉइंट से आप बाहर हो तो जल्दी से जल्दी अपने बुरे म्यूचुअल फंड को रिडीम कर दें, जल्दी से जल्दी वैसे म्यूचुअल फंड को रिडीम करें जो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप यहाँ पे क्रिएट कर रहा, ओवरलैप के परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है। आप वैसे म्यूचुअल फंड को रिडीम कर दें जिससे आप अपने गोल को फुलफिल कर लिया है, जो रकम चाहिए वो कंप्लीट हो चुका है, वैसे म्यूचुअल फंड को आप रिडीम कर दें। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल भी चेंज हो गया है तो जिस म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा रिस्क जनरेट हो रहा है उसे भी रिडीम कर दें। एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुने कि मैंने किस किस सिचुएशन में म्यूचुअल फंड को रिडीम करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि हर एक म्यूचुअल फंड को रिडीम करना है, आपको क्वालिटी चेक करना है और क्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लेना है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।